So hey guys, welcome back to another video. And in this video we are going to discuss about MSc first semester examination paper, जिसमें कि आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, ये है MSc first year first semester examination paper, जिसकी जो कि 2019 का है. और इसमें हम देखेंगे किस तरीके से examination paper में question पूछा जा सकता है. ये botany का fourth part है, जिसके अंदर biology and diversity of pteridophyta, gymnosperm and paleobotany. तो इसके अंदर pteridophyta, gymnosperm and paleobotany से related questions पूछे जाएंगे. और जैसा कि आप यहां पर देखेंगे, मैक्सिमम मार्क्स है 15, मतलब ये पूरा पेपर जो है 15 मार्क्स का है. और इसमें आपको मतलब कि यहां पर 3 आवर्स में सॉल्व करना होगा. टाइमिंग यहां पर 3 आवर्स की है, 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करना होगा. और नोट यहां पर देखेंगे, अटेम्प्ट ऑल द सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस. तो सबसे पहले मैं ऑलरेडी आपको बता देता हूँ कि इस पेपर को पूरे 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. और सभी सेक्शंस को आपको इनके इंस्ट्रक्शंस के थ्रू जो है सभी क्वेश्चंस को फॉलो करना है. नंबर फर्स्ट, सेक्शन ए में आप ध्यान से देखेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. इसके अंदर जो है बहुत ही शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. और इसमें ध्यान से देखेंगे, नोटेड अटेम्प्ट ऑल द 5 क्वेश्चंस. सेक्शन ए के अंदर 5 क्वेश्चंस होता है और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत ही ज़रूरी है. तो यहाँ पर वही नोटिस किया गया है कि अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस एंड इच क्वेश्चंस कैरीज 2 मार्क्स. प्रत्येक क्वेश्चन जो है इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा गया है, तो ये 2 नंबर का हो जाएगा. तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो बाकी 5 क्वेश्चन है, तो इस तरीके से ये 10 नंबर का पूरा सेक्शन हो जाएगा. तो सेक्शन ए 10 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर वेरी शॉर्ट एंड आंसर रिक्वायर टू नोट एक्सीडिंग 75 वर्ड्स, मतलब कि 75 वर्ड से ज़्यादा आपको इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं देना है. ठीक है, 75 वर्ड से अंदर ही अंदर जो है आपको एक्सप्लेन करना है. तो यहाँ पर देखते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चंस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है. और पहला क्वेश्चंस क्या है, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया. तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया. तो देखो, सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल तरीके से बता देता हूँ कि जो स्पोरेंजिया होता है, टेरिडोफाइटा के अंदर जो स्पोरेंजिया होती है, उसमें जो डेवलपमेंट होता है वो 2 तरीके से होता है. ठीक है, उसमें 2 तरह का डेवलपमेंट होता है. एक होता है लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट, और नंबर सेकेंड होता है यू स्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट. तो स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट 2 तरह का होता है, एक यू स्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट, एक होता है लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट. बस इसमें मेन पॉइंट आपको याद कर रखना है, जो कि एग्जामिनर जो होता है वो इसी पॉइंट को चेक करता है कि स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट यदि ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल से हो रहा है, तो वहाँ पर जो डेवलपमेंट होगा वो यू स्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट होगा. मतलब यू स्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट क्या है, इसमें जो स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है वो ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल से होता है, मतलब बहुत सारी इनिशियल सेल्स. ठीक है, मतलब कि इनिशियल सेल्स का पूरा एक ग्रुप होता है. बट लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप में डेवलपमेंट में क्या होता है, इस तरह का जब स्पोरेंजिया डेवलपमेंट होती है, तो एक सिंगल इनिशियल सेल से ही स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट हो जाता है. तो इसको कहा जाता है लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट. तो यहाँ पर आप इसको मेंशन कर सकते हैं, व्हाट इज लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया. तो आप ये वाला क्वेश्चंस आप आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं. बाकी और भी है कि इसमें बहुत सारे प्रोसेस भी लगते हैं कि कैसे किस तरीके से इसमें सबसे पहले क्या होता है, मतलब इसमें 4 स्टेप्स होते हैं, जो कि हम अपने वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन कर देंगे. सो आगे बढ़ते हैं. नंबर सेकेंड क्वेश्चंस पूछा गया है यहाँ पर, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ स्टेम ऑफ मेसिप्टेरिस. ठीक है, टी मेसिप्टेरिस. तो ये क्या है, ये एक जीनस है, जीनस ऑफ फर्न लाइक वेस्कुलर प्लांट. ठीक है, ये वेस्कुलर प्लांट, मतलब कि यहाँ पर ये जो जितने भी क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चन है, 5 के 5 क्वेश्चंस टेरिडोफाइटा से ही लिए गए हैं, जिसमें आप देखेंगे सब नंबर सेकंड क्वेश्चंस क्या पूछा गया है, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ स्टेम टी मेसिप्टेरिस. ठीक है, ये क्या है एक तरीके का, इसके बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो ये जो है जीनस ऑफ फर्न लाइक वेस्कुलर प्लांट. ठीक है, फर्न के लाइक एक वेस्कुलर प्लांट्स है, उसी का एक जीनस है ये. नंबर थर्ड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज लेपिडोडेंड्रॉन. लेपिडोडेंड्रॉन क्या होता है, तो यहाँ पर इसके बारे में आप यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, एक्सटिंक्ट जीनस ऑफ प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट. मतलब ये क्या है, एक विलुप्त, ठीक है, एक्सटिंक्ट जीनस है. ठीक है, एक विलुप्त जाति है, जो कि इस समय प्रेजेंट नहीं है, लेकिन एक समय पर ये प्रेजेंट थी. तो ये एक्सटिंक्ट जीनस ऑफ प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट, मतलब कि ऐसे वेस्कुलर प्लांट जो कि इसमें, मतलब कि बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का इसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट थे. तो प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स ट्री लाइक, और एक जो है एक तरीके से ट्री लाइक था. नंबर फोर्थ क्वेश्चन है, इसके बारे में अभी यहाँ पर पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जितना है इतना इससे आप थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये किस तरह का, मतलब लेपिडोडेंड्रॉन आखिर क्या है.
नंबर फोर है कैलेमोफाइटोन। व्हाट इज कैलेमोफाइटोन? तो कैलेमोफाइटोन एक फॉसिल प्लांट है, तो इसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल के अंदर चेक कर सकते हैं, टेरिडोफाइटा के अंदर ये सब के सब धीरे धीरे हम अपलोड कर देंगे। नंबर फिफ्थ क्वेश्चन है ट्रांसफर सेक्शन एंड एलएस सेक्शंस ऑफ स्पोरोकार्प ऑफ मर्सीलिया। तो यहाँ पर दो नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मर्सीलिया का जो स्पोरोकार्प है, जो कि आप बीएससी में भी पढ़ चुके हैं, एमएससी में यहाँ पर पूछा गया है, लेकिन ये बीएससी में भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है स्पोरोकार्प ऑफ मर्सीलिया। मर्सीलिया क्या है? एक टेरिडोफाइट प्लांट है जिसकी लाइफ साइकिल को मैं बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुका हूँ। और ट्रांसफर सेक्शन एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का यहाँ पर मर्सीलिया के यहाँ पर डायग्राम आपको बनाकर दिखाना होगा और थोड़ा बहुत उसके बारे में एक्सप्लेन करना होगा। तो ये था फाइव शॉर्ट सेक्शन ए के अंदर फाइव शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस उसके बाद आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इसमें भी रहता है और इसमें आपको 200 वर्ड से ज़्यादा आपको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर नोट्स बनाकर यहाँ पर दे दिया गया है कि अटैम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस, मतलब इसमें थ्री क्वेश्चंस आपसे दिया जाएगा जिसमें से आपको दो अटैम्प्ट करने हैं। और ये सेक्शन भी 10 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, तो दो क्वेश्चन अगर आप अटैम्प्ट करते हैं तो उसमें 10 मार्क्स का, तो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी दोनों 10 मार्क्स के हैं, ठीक है। सो अटैम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग थ्री क्वेश्चंस, इच क्वेश्चंस कैरीज 5 मार्क्स, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 200 वर्ड्स, मतलब कि 200 वर्ड से ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, उसके अंदर ही आपको एक्सप्लेन करना है। सो क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर सिक्स क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, नेम द टू प्रोसेस विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, डिस्क्राइब द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन लाइफ हिस्ट्री ऑफ पाइनस। पाइनस में यहाँ पर पाइनस क्या है? पाइनस एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बारे में पूछा गया है। सबसे पहले ध्यान से देखें क्वेश्चन क्या है। द नेम ऑफ नेम द टू प्रोसेस विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, डिस्क्राइब द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पाइनस। पाइनस की लाइफ हिस्ट्री के अंदर आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक तरीके से एन और सिंगल हैप्लोइड से डिप्लोइड फेज में, हैप्लोइड से डिप्लोइड फेज में, मतलब एक सीक्वेंस बना होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हैप्लोइड के बाद डिप्लोइड आवे। अगर यहाँ पर अगर सपोज दैट कि यहाँ पर ये हैप्लोइड है, फिर उसके बाद ये हैप्लोइड है, और फिर उसके बाद ये डिप्लोइड है, और फिर उसके बाद डिप्लोइड है, तो यहाँ पर भी एक सीक्वेंस बना हुआ है। ये भी एक तरीके से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के अंदर ही आता है। तो हमेशा ध्यान रखें, इस बात को नोट कर लें कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होना चाहिए, एक सीक्वेंस बना रहना चाहिए, ठीक है। जो सीक्वेंस को फॉलो करता है तो वहीं पर आप कह सकते हैं यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिला है। नंबर सेवन है यहाँ पर मेंशन द करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ निटम गिविंग द स्पेशल रेफरेंस ऑफ द कंडक्टिव टिश्यू एंड मेल इनफ्लोरिसेंस। पांच नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंशन द करेक्टरिस्टिक फीचर्स, यहाँ पर करेक्टर फीचर्स पूछा गया है निटम के बारे में, एंड गिविंग द स्पेशल रेफरेंस ऑफ द कंडक्टिव टिश्यू मेल एंड इनफ्लोरिसेंस, ठीक है, मेल इनफ्लोरिसेंस के बारे में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर एट में व्हाट इज प्रोजिम्नोस्पर्म, प्रोजिम्नोस्पर्म क्या होता है? तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एक्सटिंक्ट ग्रुप ऑफ वुडी स्पोर बियरिंग प्लांट्स, उनको हम बोलते हैं ऐसे जिम्नोस्पर्म प्लांट जो पहले, मतलब पहले पाए जाते थे, एक्सटिंक्ट ग्रुप ऑफ वुडी स्पोर बियरिंग प्लांट्स। और यहाँ पर नंबर सेकंड देखिए, इसी में क्वेश्चन पूछा गया है क्लासीफाई द जिम्नोस्पर्म पॉइंट आउट ऑफ द मेन फीचर्स एंड क्लासेस एंड गिव द एग्जाम्पल ऑफ इच क्लासेस। तो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन भी पूछा गया है जिसमें आप कोई भी क्लासिफिकेशन मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन की बात नहीं की गई है। सेक्शन सी में यहाँ पर देख सकते हैं, सेक्शन सी में आपको थ्री क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना होता है। इसमें 5 क्वेश्चन हैं और 3 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करना होता है। ये एक परसेंटेज मेकिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूरा सेक्शन सी जो होता है वो 13 मार्क्स का होता है। इसमें एक इसमें जो है लॉन्ग क्वेश्चन होता है, इसमें आपको आंसर जो देना होता है वो डिटेल में देना होता है। तो डिटेल आंसर क्वेश्चन से आप जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एम्बर, एम्बर क्या होता है, एंड व्हाट इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉसिल्स, मेंशन द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशंस। तो 10 मार्क्स में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और इसको काफ़ी स्टूडेंट अटैम्प्ट करना चाहेंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एम्बर। तो एम्बर क्या होता है, एक फॉसिलाइज्ड रेजिन फ्रॉम द एंशियंट फॉरेस्ट, ठीक है। एक तरीके से क्या होता है कि जो एक फॉसिलाइज्ड रेजिन जिसके अंदर शीड एंड इंसेक्ट के जो
विंग्स होते हैं वो सब उसमें स्टोर हो जाते हैं, तो एक तरीके से फॉसिल के रूप में पड़े रहते हैं, तो वही अंबर होता है। व्हाट इज़ अंबर, व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉसिल, फॉसिल के कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में लिखना होगा, और मेंशन द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन, फॉसिलाइजेशन कितने किस तरीके से होता है, उसका प्रोसेस मतलब कितने प्रोसेस में होता है, ये सब आपको यहाँ पर लिखना होगा 10 मार्क्स में। नंबर 10 क्वेश्चंस आप यहां पर देख सकते हैं, डिस्क्राइब द जीरोफिटिक करेक्टर्स एंड मिसोफिल टिश्यू इन पाइनस नीडल, पाइनस नीडल के यहां पर जीरोफिटिक करेक्टर को शो करना है और मिसोफिल टिश्यूज के बारे में, एंड गिव द नेचर ऑफ ओवलीफेरस स्केल एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो इन पाइनस। तो इसी के अंदर काफ़ी एक ही क्वेश्चंस के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं 10 मार्क्स में, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फाइनली 11 क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एजोला, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एजोला क्या है, एक टेरिडोफाइट प्लांट है और इसकी पूरी की पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में आप यहां पर 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे दो क्वेश्चंस और भी हैं, डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ जिंको बायलोबा, व्हाई इट इज़ कॉल्ड लिविंग फॉसिल, क्यों इसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है, इसके मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स के बारे में पूछा गया है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ईजी क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में आया है, इसको आप ज़्यादातर स्टूडेंट जो है इसको अटैम्प्ट करेंगे। डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ लाइकोपोडियम, 13 नंबर में क्वेश्चन, नंबर थर्ड क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन पूछा गया है जो कि 10 मार्क्स का है। डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ लाइकोपोडियम, एक्सप्लेन हाउ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन लाइकोपोडियम। तो ये था पूरा एग्जामिनेशन पेपर MSc का, बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंड पेलियोबॉटनी, या फिर बॉटनी का फोर्थ पार्ट, ठीक है, फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर का फोर्थ पार्ट है। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।